नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्माती हुई दिख रही है। जदयू को लेकर एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। जी हां, जदयू को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था कि जदयू के बहुत सारे नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बीते कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद इस तरह का दावा कर दिया है कि जदयू जो है वो डूबता हुआ जहाज है और जदयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उनके 2024 चुनाव से पहले एनडीए में जाने की अटकलें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने जल्द ही जदयू में बड़ी टूट होने के संकेत दिए हैं। कुशवाहा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता उनके और दूसरे दलों के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जदयू के कौन से नेता उनके संपर्क में हैं। इससे पहले बीजेपी भी दावा कर चुकी है कि कई जदयू नेता नीतीश के महागठबंधन में जाने के कदम से नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने दो दिन पहले कहा था कि जदयू के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में आना चाहते हैं, इसमें विधायक और सांसद भी शामिल है। और ऐसे में देखिए कि बीजेपी के बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है और अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बनाई है और इसके बाद इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जदयू में टूट होने वाली है, कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर माने तो ये कहा जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसमें वो भाजपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और इसको लेकर एक मुलाकात भी हुई थी। हालांकि खुलकर इस मुलाकात को लेकर ना तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा है और ना भाजपा के आला कमान ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लंबी बगावत के बाद फरवरी में जदयू से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने रालोजित नाम से नई पार्टी बनाई। तीन दिन पहले दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इसके बाद कुशवाहा के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, मुकेश साहनी, इसके साथ ही चिराग पासवान, पशुपति पारस तो पहले से ही भाजपा के साथ है और हम के नेता मांझी को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि इसको लेकर भाजपा ने बिहार का रूपरेखा जो है उसको तैयार कर लिया है। किस आकार में चुनाव होने वाले हैं, सीटें किसको कितने मिलने वाली हैं, सब का खाका तैयार हो चुका है। और देखिए कि एक बड़ा दावा उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है, जिनको लेकर ये चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है भाजपा के साथ मिलकर 2024 और 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इससे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे आईवी टीवी के साथ। धन्यवाद।